भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं के वे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रही है, जिसमें कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आई तो पहले अपने वर्करों को नौकरी देंगे, बाकियों को बाद में देखेंगे। और पहले अपना घर तो भरेगी। एक इसी प्रकार का बयान कांग्रेस नेता जयप्रकाश का भी वायरल किया जा रहा है, जो कि करीब 8 महीने पुराना बताया जा रहा है। इसमें जेपी एक सोशल मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हुड्डा सरकार में पर्ची अवश्य चलती थी और वह पर्ची मेरे पास आती थी, जिसके अनुसार हम नौकरी देते थे। हमारा टाइम में चलती हो पर्ची नहीं, पर्ची तो चलती हुई यार, इसमें क्या बुरी बात है, अपना आदमी को तो नौकरी लाना पड़ेगा, कोई बात है यार जमा। अरे इनने जमा बेड़ा गर्क कर दिया यार, पर्ची तो नहीं कह दिया जेपी साहब यार लिख के दे गया, मैं आएंगे पर्ची तो और देंगे, क्या बुरी बात है इसमें। इसी प्रकार अन्य कांग्रेस नेताओं के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। किसी में तो नेताजी बोल रहे हैं कि पहले हम अपना घर भरेंगे, अपनों को नौकरी देंगे। जब सरकार के अंदर संत का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे। और पहले अपना घर तो भरेगी। अपना भी भरेंगे, तो इसलिए सरकार में पड़ने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। एक में नेताजी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कांग्रेस को 50 वोट देगा उसकी एक सरकारी नौकरी होगी। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट, अब असली सौदा तो नौकरी निको और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम का जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगी। यू मेरे फैसलो ना, यू समण को फैसलो, कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जाते कोई 10-20-50 वोट आने। वीडियो के साथ ही भाजपा नेता हरियाणा के युवाओं को चेता रहे हैं कि अगर गलती से भी हरियाणा में कांग्रेस सरकार आई तो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी पाने के सपने छोड़ देना। आपसे रिश्ता, मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे, 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे, भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो चिंता। क्योंकि एक भाजपा सरकार है जिसके 10 साल के राज में युवाओं को लाखों नौकरी मेरिट बेस पर मिली है, कांग्रेस सरकार आई तो कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी बंद हो जाएगी और युवाओं की भीड़ कांग्रेस नेताओं की कोठियों पर लगेगी। जो ज्यादा चमची मारेगा पैर पकड़ेगा या जो ज्यादा पैसे देगा सिर्फ उन्हीं नौकरी मिलेगी। गरीब परिवार के बच्चों को नौकरी मिलना तो एक सपना हो जाएगा।